इस घर में आप कब से रह रही हैं? 2017 से रह रही हैं क्या? जी गुरु जी, सही बात है। मतलब 15 में मेरी शादी हुई थी, तो 15 से ही मतलब वहाँ पे हैं अपन, 2015 से ही। आप मायके में कब से हैं? मायके में गुरु जी आते जाते रहते हैं। यहाँ पे ये है कि 17-18 के बाद हम ज्यादा रहने हैं, 18 के बाद ये, लेकिन आते जाते रहते हैं। नहीं, इसमें इसमें दिखाई दे रहा 20 अक्टूबर 2017 के बाद से मायके में अधिक समय व्यतीत हो रहा है, बोलिए सही है? जी जी बिल्कुल सही है, बहुत समय व्यतीत हो रहा है मायके में ही मेरा। तो आपकी कुंडली सही। अब आपके ये बताइए कि जो वो है पत्थर, जो नदी के चमकीले जो पत्थर हैं जी, तो ये पत्थर आपके मायके में रखे हैं कि आपके ससुराल वाले घर में जिस कमरे में आप रहती हैं? ससुराल में है, मायके में तो नहीं रखे हैं, ससुराल में है। तो ससुराल में ये जो पत्थर रखे हैं ना जी, इनको आप हटा दीजिए। यहीं पर कोई मछली का चित्र हो या सीपी हो जी, तो जी। मछली का चित्र भी है, मछली एक्वेरियम है मेरा। अरे फांसी लग गई, कभी सुखी नहीं रह पाओगे। उसी में पत्थर पड़े हैं, बहुत बड़ा एक्वेरियम, उसी में चमकीले पत्थर पड़े हैं। तो ये एक्वेरियम कब से रखे हुआ? ये 2017 इस्तेमाल कर लिए गुरु जी है। हाँ, 2017-18 से है। हाँ, तो 2017 अक्टूबर के बाद से रखा है जी गुरु जी। 2017 में अक्टूबर के महीना से के बाद से है जी गुरु जी। हाँ ऐसे ही होगा, क्लियर ध्यान नहीं मंथ हमको, लेकिन हाँ ऐसे ही है, 2017 से है। 2017 के बाद से है, फिर डेढ़ महीना बाद मतलब आपका 2018 शुरू हो गया जी। हाँ, तो अब ये आपको ये मछली का जो है जो एक्वेरियम है ये हटाना है, पत्थर हटाने हैं यहाँ से जी गुरु जी। अपने कमरे से और अस्पताल की फाइल हटानी है जी। तो आप इस कमरे में जब से आए, इस कमरे में कब से हैं आप? गुरुजी जब से शादी हुई तभी से उसी कमरे में हैं, फिर अभी हम 2 साल से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए थे, फिर हम पिछले वाले कमरे में पहुंच गए हैं, ये चल रहा है मेरा। ये बताइए कि जब से एक्वेरियम आया है, मछलियां आपने पाली हैं, आपके घर वालों ने पाली हैं जी, तब के बाद से आपकी स्थिति बिगड़ती चली जा रही है? जी गुरुजी, तब से मेरी तो बिगड़ी ही है। हम आप ही की बात कर रहे हैं, हम और लोगों की बात नहीं, हम आपकी कुंडली देख रहे हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल बिगड़ गई है, बिल्कुल मेरी बीमारी बढ़ गई, मेरे सास ससुर की नजर में मेरे लिए नफरत बढ़ गई, चिढ़ बढ़ गई है, बस सब परेशानी परेशानी जिंदगी में आ गई है। अब आप या तो उस मकान को छोड़ दीजिए। गुरु जी छोड़ना तो चाहते हैं हम, इनका अपने हस्बैंड से कह रहे थे कि हमको कुछ दिन के लिए अलग ही ले। अब आप देख लीजिए, आपने अगर बता दिया हो कि आप गुरु जी से बात कर रही हैं तो ये रिकॉर्डिंग उनको सुना दीजिए आज की।